वेलकम बैक टू द रजत ट्रैवल। तो यहाँ पे चंडीगढ़ पे अभी चंडीगढ़ टूरिज्म सेलिब्रेट किया जा रहा है टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से, और यहाँ पे लगे हुए हैं फोटो एग्जीबिशन, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, और उसके अलावा कॉन्सोलेशन प्राइज भी यहाँ पे आ गया है। आप देखिए, अभी हम सेक्टर 17 के प्लाजा के ठीक नीचे हैं अंडरग्राउंड में, और यहाँ पर हम प्राइज़ भी आपको स्क्रीन पर बताएँगे, शेयर करेंगे। ये इस प्रतियोगिता का फर्स्ट प्राइज़ है जो कि श्री सुमित कुमार द्वारा बनाया गया, और सेकंड प्राइज़ श्री सरबजीत सिंह द्वारा जो चंडीगढ़ मॉन्यूमेंट के, और तीसरा इंदर सिंह जो कि जिन्होंने ले को केरी है। बाकी ये अदर प्राइज़ है, कॉन्सोलेशन प्राइज़ है, जिसमें हमने बहुत सारी आपको एग्जीबिशन जितना भी पेंटिंग लगाई हुई थी वो सभी के बारे में आपको दिखाया है और बताया भी है। तो आप अंडर पास सेक्टर 17 में इसको बहुत ही आराम से देख सकते हो, और ये तस्वीरें अभी भी वहाँ पर एग्जीबिट की हुई है और लगी हुई है। आई थिंक 25 से 30 नवंबर तक ये वहाँ पे है, जब तक ये मतलब टूरिज्म जो मंथ है बनाया जा रहा है। तो तस्वीरें देखिए आराम से। तो ये है सेक्टर 17 का अंडरपास, और यहाँ पे चले हुए कंपटीशन, यानी कि चंडीगढ़ टूरिज्म द्वारा टूरिज्म फेस्टिवल करवाया जा रहा है। ये पूरा महीना रहता है, और वर्ल्ड टूरिज्म डे भी आता है, वैसे तो आपको पता ही होगा, बट यहाँ पर देखिए पीछे अलग अलग से फंक्शन चले हुए हैं। अंडर पास में आज फोटोग्राफी एग्जीबिशन था, यानी कि कंपटीशन हुए थे, उनके जो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ मिले हैं वो हमने स्टार्टिंग में बता दिया। बाकी टूरिज्म फेस्टिवल पूरा मंथ रहेगा, तो इस फेस्टिवल में ज़रूर पार्टिसिपेट करें, और ये थी झलकियाँ, ज़रूर हमें फॉलो करें रजत ट्रैवलो के नाम से। तो बेसिकली इस इवेंट और फेस्टिवल का मकसद यही है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में चंडीगढ़ को आगे ले जाना है, और टूरिज़म में, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस सिटी के बारे में पता चल सके। क्योंकि यहाँ पे बेस्ट चीज़ ये है कि जो एनवायरनमेंट को जो है ध्यान में रखते हुए चीज़ें यहाँ पे प्रिजर्व की गई है, उन्हीं चीज़ों को आप देख सकते हो और जान सकते हो। ये सिटी बहुत ही यूनिक है, एक आर्किटेक्चर जो है ना चंडीगढ़ का, कुछ चीज़ें जो है हेरिटेज में भी शामिल की गई है, जैसे कैपिटल कॉम्प्लेक्स, एक मॉन्यूमेंट मिल जाएगा आपको ओपन हैंड मॉन्यूमेंट, जिसमें चंडीगढ़ का मैप जो है पूरा उसी वे पर बनाया गया है। तो ली कार्ब्यूज़े द्वारा आर्किटेक्चर थे वो, फ्रांसीसी आर्किटेक्चर, उनके द्वारा शेप दी गई है। बाकी सिटी जो है काफ़ी प्रिजर्व की गई है। यहाँ की अच्छी बात ये है कि चंडीगढ़ टूरिज़्म की अच्छी बात ये मुझे ये लगी कि, और इसको द सिटी ब्यूटीफुल का खिताब का दर्जा इसीलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे चीज़ें और लोगों में जो सफाई का जरिया है ना वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अवेयरनेस है। टूरिज़्म या ट्रैवलर हो या हमें अपनी बेसिक नीड के लिए यार एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करना ही पड़ता है, बट यहाँ पर जो चंडीगढ़ टूरिज़्म और डिपार्टमेंट वालों ने, इस यूटी ने इतना एग्जाम्पल सेट की है कि यहाँ पे जो है सफाई के प्रति बहुत ही जागरूक किया जाता है, लोग भी बहुत ही अवेयर है, और सिटी में होना चाहिए, और टूरिज़्म इसी प्रकार का होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म का, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं है, जगह जगह आपको पार्क मिल जाएगी, और सबसे खास बात है कि चंडीगढ़ की ग्रीनरी, और इसने बहुत ही जो सेट किया है एग्ज़ाम्पल पूरे यूनेस्को में किया है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में किया है। तो इस अंडर पास की खास बात यह है कि अगर आप टैलेंटेड हो, अगर आपको कोई भी स्टेज नहीं मिल पा रही है, तो यहाँ पे आप नाइट के टाइम 5 से 6 से 10 बजे तक, आई थिंक ये यहाँ पे अंडर पास ओपन रहता है, और यहाँ पे प्रॉपर सिक्योर भी रहता है, तो यहाँ पे अपना टैलेंट शो कर सकते हो। इसे देखिए अलग अलग बच्चे आए हैं, मतलब बच्चों के अलावा यहाँ पे सीनियर सिटीज़न जो है अपना टैलेंट यहाँ पे अपना ओनर को जो है निखारते हैं, जिनको मतलब किसी स्टेज में मौका नहीं मिल पाता। तो आप आइए ज़रूर, इस सिटी ने यार बहुत ही ज़्यादा जो है ओपन टैलेंटेड बंदों के लिए यहाँ पे स्टेज जो है अंडर पास में खोला गया है चंडीगढ़ टूरिज्म द्वारा, तो एंट्री फ्री है, आप बेझिझक होकर आ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाकी ये टूरिज्म मंथ भी है वैसे, और टूरिज्म फेस्टिवल भी चला हुआ है चंडीगढ़ में, तो लगातार जुड़े रहिए रजत ट्रैवलों के साथ। ये बता रहा था कि आज चंडीगढ़ जो है सेप्टेम्बर 20 के बाद जो है एक दो दिन तक शायद ये गर्मी रहेगी, और बहुत ही ज़्यादा गर्मी, आप पसीना देख रहे होंगे, इसके बाद ही सीधा विंटर आ जाएगी, और आपको भी इस टूरिज़्म मंथ की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। अधिक घूमें, अधिक ट्रैवल करें, अधिक चीज़ों को जाने, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इको टूरिज़्म को बढ़ावा दें, और नेचर को प्रिजर्व करें, बिल्कुल भी गंदगी ना फैलाए, और नशा बिल्कुल ना करें। एंड जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।